नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। अब सादे वर्दी में रहने वाले पुलिस कर्मियों और ऑन ड्यूटी रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि ड्यूटी के दौरान पुलिस वर्दी नहीं पहनने वाले पुलिस कर्मियों को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त हो चुकी है और नाराजगी भी जाहिर की है। पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर के सभी जिले के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है और ये भी कहा है कि इसकी मॉनिटरिंग कीजिए कि कौन कौन से ऐसे पुलिस कर्मी हैं जो ऑन ड्यूटी बिना वर्दी के रहते हैं। ये गलत है। बिना वर्दी के रहने की वजह से लोगों को ये भरोसा नहीं हो पाता कि सामने वाला पुलिस है। वहीं बीते दिनों पुलिस पर हुए हमलों की बात करें तो जिस तरीके से बीते दिनों पुलिस पर हुए हमलों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में भी ये बातें कही गई कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिसकर्मी पुलिस की वर्दी में नहीं होते, जिस वजह से जनता को ये लगता है कि पुलिसकर्मियों की संख्या कम है और कई मामलों में जो लोग होते हैं वो आक्रोश में पुलिस पर हमला कर देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि पुलिसकर्मी अपने पुलिस वर्दी में ही रहे, ऑन ड्यूटी इस बात का ध्यान रखें। लेकर पुलिस मुख्यालय ने सख्त आदेश दिया। वहीं अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कार्रवाई करने की बात भी की है। पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजे गए पत्र में ये भी कहा गया है कि अक्सर देखा जाता है कि कमांडो और जंगल ड्रेस पहनने वाले पुलिसकर्मी ऐसे ड्रेस को पहनने से काफी परहेज कर रहे हैं, इसकी जगह सादे लिबास के रंग बिरंगे कपड़े पहन रहे हैं। ड्यूटी के दौरान इस तरह के कपड़े पहनना वर्जित है। यदि कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान वर्दी नहीं पहनता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त आदेश दिए गए हैं। वहीं पुलिस मुख्यालय को सूचना देने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि भागलपुर सिटी एसपी रामदास ने इसे लेकर कहा कि ड्यूटी के दौरान वर्दी नहीं पहनने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान की जा रही है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।